किया थोक से, जहां समाधान दिवस पर 14 मामलों में दो का निस्तारण। जी हां, खबर यूपी के जनपद इटिया थोक की है, जहां शासन के दिशा निर्देशों पर प्रत्येक थाना स्तर पर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज शनिवार को थाना कोतवाली इटिया थोक पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार सदर डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्र ने पहुंचकर फरियादियों की शिकायतों को सुना और उसे त्वरित निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित राजस्व कर्मियों प्रशासन के अनुरूप मामले का निस्तारण करने का दिशा निर्देश दिया। वहीं पूर्व में आए हुए मामलों के लिए बारे में भी जानकारी ली, जिससे पता चला कि पूर्व के ही मामलों का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने उपस्थित राजस्व कर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा, इस शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि समाधान दिवस में जो भी मामले आए उनका मौके पर जाकर निस्तारण सुनिश्चित करें। इस बारे में उन्होंने बताया कि कुल 14 मामले समाधान दिवस में आए, जिसमें से 2 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे सहित राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। ये बताइए, आज एटिया थोक है थाना, यहाँ समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, तो इस समाधान दिवस में कुछ कितने मामले प्रकाश में आए हो, कितने का मौके पर निस्तारण किया गया और कितने के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए गए? 14 प्रकरण कुल आ जाए हैं थाना समाधान दिवस पर, और उसमें 2 के निस्तारण के लिए टीम को भेजा गया है और शेष के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश। जैसे कि कुछ मामले रह जाते हैं तो उनका पूर्वावलोकन भी किया जाता है कि